मैं अजयदीप वाधवा फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं बात करूंगा हिपोक्रेसी पर। कहीं हम हिपोक्रेट्स तो नहीं हो गए हैं या होते जा रहे हैं? हिपोक्रेट्स का मायने क्या होता है, हिपोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? हिपोक्रेट्स वो होते हैं जो बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, यानी उनके बातों में और उनके कामों में मेल नहीं होता है। शायद हम लोग भी हिपोक्रेट्स होते जा रहे हैं। ये समय है सोचने का कि अगर हम हिपोक्रेट्स होते जा रहे हैं तो हम हिपोक्रेसी को कैसे दूर करें। अब आप बोलेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हम हिपोक्रेट्स होते जा रहे हैं। मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे शहर की सड़कें साफ सुथरी रहें, हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले साफ सुथरे रहें, पर जब हम कुछ बाजार में खरीदने खाने का खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि डस्टबिन नजर नहीं आई या दूर में है तो रैपर फेंक देते हैं सड़क पर ही। ये सोचकर फेंकते हैं कि मेरे एक रैपर फेंकने से क्या होगा। हम सिगरेट खुद पीते हैं, हम तंबाकू खाते हैं, हम पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना खाएं। हम शराब पीते हैं, सप्ताह में 2-3 बार बैठकर दोस्तों के साथ महफिल जमाते हैं, पर हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो शराब ना पिए, वो ऐसे लोगों के साथ ना बैठें उठें जो पीते हैं। हम जब सड़क पर चलते हैं तो हम लोगों के बारे में ऊटपटांग बातें करते हैं। गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी जब हम चलाते हैं तो हमें लगता है कि कोई मेरा रोड क्रॉस करे तो हम गाली देते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सभ्य बने, वो किसी को गाली ना दे। जब हम सुबह उठते हैं तो हम मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं, हम कुछ जिम नहीं जाते हैं, हम कुछ योगा वगैरह नहीं करते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुबह सुबह उठें और वो जिम जाएं, योग करें, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें और वो हेल्थ पर ध्यान दें। हम अपने कार्य क्षेत्र में जब हम अपने ऑफिस जाते हैं तो हम देर से जाते हैं, अपनी फाइलों का अधूरा छोड़ देते हैं, अपनी फाइलों का डेली का जो अपना काम है उसको निपटा के नहीं आते हैं। हमारे पास फाइलें कई दिन पड़ी रहती हैं, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो साथ हमारे जूनियर कर्मी हैं, हमारे महातात हैं या हमारे साथ जो हमारे कलीग हैं, वो अपना काम परफेक्ट करें, वो अपनी फाइलों को टाइम पर निपटाएं, किसी फाइल को अननेसेसरी अनावश्यक कारण से नहीं रोकें और फटाफट अपना काम टाइम पर करें। कहने का मतलब ये है कि हम वो सब दूसरों से चाहते हैं जो हम खुद नहीं करते हैं, हम वो अपने बच्चों से चाहते हैं, अपने परिवार से चाहते हैं जो खुद नहीं करते हैं। हम जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बगल वाली रोड से जो भी गाड़ी जा रही है वो हॉर्न ना बजाए क्योंकि मुझे या मैं अन्य मरीजों को तकलीफ होती है, पर जब हम स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल के बगल से अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं तो हम बिना परवाह किए, बिना सोचे कि वहाँ मरीज हैं या वहाँ विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, हम गाड़ी का हॉर्न जोर जोर से बजाते हैं। तो ये हिपोक्रेसी है और समय आ गया कि इस हिपोक्रेसी पर हम ध्यान दें और अपने इस जो हिपोक्रेसी के चलते हम जो ऐसी गतिविधियां करते हैं जो हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो ना करें, उसको सबसे पहले हम ना करें, ये हम डिसाइड करें। मुझे याद एक छोटी सी कहानी, आपने भी सुनी होगी, पुरानी कहानी है कि एक पिताजी अपने पुत्र को एक साधु के पास ले गए। आप बोले कि महाराज मेरा बेटा रोज चीनी खाता है, इसको चीनी खाने की बुरी आदत हो गई है और हो सकता है आगे इसको शुगर की बीमारियां हो जाएं, तो आप इसको बोलें, आप इसको समझाएं कि बेटा चीनी मत खाओ, आप समझाएंगे तो मेरा पुत्र आपकी बात मान लेगा। साधु ने कहा कि आप एक काम करिए, आप 1 महीने बाद आइएगा। पिताजी मान गए साधु की बात। 1 महीने बाद फिर अपने पुत्र को लेकर साधु के पास गया, बोले गुरुजी मैं फिर आ गया हूँ, मेरे बेटे को चीनी खाने से मना करिए। साधु ने उसके बेटे को चीनी न खाने के लिए प्रेरित किया, काफी समझाया और कुछ देर के बाद वो बेपुत्र मान गया कि अब वो चीनी नहीं खाएगा। पिताजी ने प्रश्न किया साधु से कि महाराज जब मैं पिछले महीने आया था तो आपने मुझे मेरे बेटे को ये ज्ञान देने से मना कर दिया, पर आज आपने दिया, अब मेरा बेटा आपकी बात मानने को तैयार है। ये ज्ञान तो आप 1 महीना पहले जब मैं आया था तब भी दे सकते थे, आपने क्यों नहीं दिया? साधु ने साफ जवाब दिया कि उस समय मैं खुद भी चीनी खाता था, तो मैं आपको बेटे को जो ज्ञान देता, मैं आपके बेटे को जो भी बोलता, वो मेरी बातों में वजन नहीं होता, उसमें गंभीरता नहीं होती, उसमें सत्यता नहीं होती, मैं हिपोक्रेट हो जाता। तो जब मैंने तुमको 1 महीने बाद आने बोला तो मैंने सबसे पहले 1 महीने के अंदर खुद चीनी खानी छोड़ दी, और जब मैंने चीनी खानी छोड़ दी मेरी बातों में वजन आ गया, अब मैंने आपके पुत्र को जो आज बताया अब वो मेरी बात मानेगा। यानी हिपोक्रेसी हमें सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी। तो आइए हम उन सारी आदतों को आज छोड़ने का निर्णय लें जो हम सोचते हैं कि दूसरे ना करें। हम छोड़ेंगे तब दूसरे भी हमें देखकर, या हमारे छोटे, हमारे अनुज, हमारे बच्चे हमें देखकर छोड़ेंगे। धन्यवाद।